नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर फैली हिंसा अब थम गई है, लेकिन हिंसा थमने के बाद अब जख्मों का दिखना शुरू हो गया है। भीड़ की क्रूरता का शिकार हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जो झकझोरने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के पूरे शरीर में अनगिनत बार चाकू से वार किया गया, उनके सीने पेट पर चाकू के निशान हैं और सीने तथा पेट पर ही सबसे ज्यादा वार किए गए हैं। अंकित शर्मा के साथ हुई बेरहमी देखकर उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का भी दिल दहल गया। डॉक्टरों के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर के हर हिस्से पर चाकू मारे गए थे, यहां तक कि उनकी आंतों तक को निकाल लिया गया था। अंकित का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक इससे पहले किसी के शरीर में इतने जख्म उन्होंने कभी नहीं देखे। गौरतलब है कि उपद्रवियों ने अंकित शर्मा की हत्या कर उनका शव चांदबाग क्षेत्र के नाले में फेंक दिया था। कुछ ऐसी भी रिपोर्टें मिली हैं जिनमें अंकित शर्मा के अंतिम पलों की अपुष्ट जानकारी मिली है। रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के चश्मदीद ने बताया है कि जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के पास पहुंचे तो दंगाइयों ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर खींच लिया। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की लेकिन वो बच नहीं पाए। लोगों ने यह भी बताया कि कैसे ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से दंगाई निकलकर बाहर आए। दंगाइयों ने ताहिर हुसैन की बिल्डिंग की छत पर सब सामान इकट्ठा किया हुआ था। बताया जा रहा है कि उस समय ताहिर हुसैन भी घर में मौजूद था और उसकी निगरानी में ही कई घंटे तक तांडव चलता रहा। दूसरी ओर गुरुवार को अंकित शर्मा का उनके पैतृक गांव मुजफ्फरनगर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर गुरुवार शाम को घर पहुंचा, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पार्थिव शरीर को सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से विदा किया। उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। केंद्रीय मंत्री, डीएम, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। भाई अंकुर शर्मा ने अंकित शर्मा के पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। अर्थी ले जाते हुए लोगों ने राम नाम सत्य के बजाय भारत माता की जय के नारे लगाए और सीएए तथा एनआरसी के पक्ष में नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व भारी पुलिस बल अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। शहीद अंकित शर्मा मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के इटावा गांव के रहने वाले थे। बेटे की मौत से बेहद दुखी मां ने कहा कि उन्होंने अंकित को घर में ही रुकने के लिए कहा था। मां ने चाय पीने के लिए अंकित को रोकना चाहा, लेकिन वह दूसरों को बचाने बाहर चले गए और लौटकर नहीं आए। अंकित शर्मा के पिता की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 201, 365 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक अंकित उनका छोटा बेटा था। भजनपुरा से करावल नगर तक जाने वाली सड़क पर सीएए के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान भीड़ के बीच पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की घटना हुई। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा फैलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कल देर रात को एफआईआर दर्ज कर ली गई और दंगा फैलाने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दंगा फैलाने का स्थल बनी उनकी बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस जांच पूरी होने तक ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया है।